उर्दू वालों के लिए NIOS से जिन्होंने उर्दू से भरा है क्लास 10 डाटा एंट्री का उर्दू में प्रैक्टिकल बना दिया गया है। कोड है 229। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे प्रैक्टिकल फाइल। यहाँ अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। फिर उसके बाद ये कवर पेज बनाना आ गया आपको किस तरह बनेगा। फिर उसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे डाटा एंट्री में मकसद कंप्यूटर को समझना। कंप्यूटर क्या है उसके बारे में यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया है। आप इसी में से देख के लिख लेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की साख्त मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है वो सारा आप यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं कंप्यूटर यूनिट है। फिर उसके बाद ALU के बारे में हम जानेंगे कि ALU क्या होता है। इसे आप यहाँ से देख के पूरा नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखेंगे इनपुट आउटपुट और ये सारी चीज़ें। इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। यहाँ पे कीबोर्ड और माउस की पिक्चर आप डाउनलोड कर लेंगे नेट से उसे प्रिंट करवा लेंगे। कीबोर्ड के बारे में बताया, लाइट पेट के बारे में बताया, स्केल रेजर्स के बारे में बताया। इसके बाद यहाँ पे स्कैनर के फ़ोटो डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप जो है नीचे टच स्कैनर भी आता है उसके बारे में आप लिख लेंगे। टच स्कैनर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, ठीक है, ट्रायल बॉल क्या होती है, आउटपुट आलात कौन कौन से होते हैं हमारे, ट्रैक बॉल है, मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर के बारे में यहाँ पे आप लिख लेंगे मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर के बारे में लिक्विड ये क्या है, LCD के बारे में है, ठीक है। LCD के बारे में आप यहाँ से लिख लेंगे। प्रिंटर के बारे में लिख लेंगे। प्रिंटर कई तरह के होते हैं, यहाँ पे चार तरह के प्रिंटर के बारे में बताया है। चार तरह के प्रिंटर के बारे में आप यहाँ से नोट कर लेंगे। लेज़र प्रिंटर है, डेस्क जेट प्रिंटर है, फिर डाटा मॉनिटरिंग प्रिंटर भी होता है, उसके बारे में आप यहीं से उतार लेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको लिखा लिखाया। फिर उसके बाद हम आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर के बारे में भी लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाने हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर उसके बाद है सवाल जवाब। सवाल जवाब यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, सवाल दे रहा और उसका जवाब यहाँ से आप नोट कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। फिर उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे, उसको आप यहाँ से लिखेंगे। अलका ने MS Word के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। MS Word का सवाल है, उसके बाद यहाँ पे इसका जवाब है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लेंगे। फिर उसके बाद उसका जवाब उतार लेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको एडमिशन कराना है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल या असाइनमेंट या किसी तरह की भी कोई चीज़ बनवानी है तो हमसे एजुकेशन से रिलेटेड तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन कराना है IGNOU में, DU में, NIOS में, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ जो उर्दू से कर रहे हैं, ताकि उनका भी भला हो।